गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे मंच पर। वी आर डिस्कसिंग, हम डिस्कस कर रहे हैं MHM इज़ द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, MHM पर हमारा डिस्कशन चल रहा है कि कोई भी हमें फ्रेज दिया जा सकता है, नाउन फ्रेज दे, वर्ब फ्रेज दे, एडजेक्टिवल फ्रेज दे, एडवर्बियल फ्रेज दे, प्रपोजिशनल फ्रेज दे, हमें उसमें क्या ढूंढना है? मॉडिफायर ढूंढना है। मॉडिफायर कैन बी प्री मॉडिफायर और मॉडिफायर कैन बी पोस्ट मॉडिफायर। मॉडिफायर कैन बी मोर देन वन इन नंबर, मॉडिफायर एक से अधिक संख्या में हो सकते हैं। एंड द हेड वर्ड इज अ कॉन्स्टेंट वर्ड विदाउट, है ना, विदाउट विच दैट फ्रेज कैनॉट मेक सेंस। उसके बिना उस फ्रेज का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, तो हेड वर्ड जरूरी होता है। ठीक है, तो बात करते हैं। लास्ट क्लास तक आपने डिस्कस कर लिया था, है ना, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज एंड ऑल। ठीक, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक दिख रहा है? हाँ ठीक है, सब बढ़िया। एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिव से आप समझते हैं, है ना, ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं। तो बात कर लेते हैं हम इस कलर पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलो, एडजेक्टिवल फ्रेज होता क्या है? अब आप बोलेंगे सर एडजेक्टिवल फ्रेज क्या एडजेक्टिव जैसा ही होगा? बिल्कुल। फिर क्या सर उसमें मॉडिफायर क्या होगा? क्या दो एडजेक्टिव मॉडिफाई करेंगे एक दूसरे को? क्या हो सकता है? कैसे वो फंक्शन कर सकता है ना सेंटेंस में? कहाँ कहाँ लग सकता है? क्या वर्ब से पहले लग सकता है? क्या एडजेक्टिवल फ्रेज वर्ब से पहले लग सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है? क्या वो सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें नाउन नहीं होता। अगर नाउन होगा तो फिर वो नाउन फ्रेज बन जाएगा। एडजेक्टिव प्लस नाउन नाउन फ्रेज होगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन कभी भी एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं होगा। ठीक बात है। इस तरीके से जैसे एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होगा, हम बोल सकते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज An adjectival phrase has an adjective as head word and modifiers before or after it। ठीक है, an adjectival phrase has an adjective as head word। head word के रूप में क्या होगा इसमें? adjective को head word मानेंगे। and modifiers before or after it, इसके पहले और इसके बाद में modifier लगा सकते हैं, modifier हो सकते हैं, मॉडिफायर्स लगाए जा सकते हैं, मॉडिफायर हो सकते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे एडजेक्टिव
इसको हम बोलेंगे एच हेडवर्ड, इसके पहले एम मॉडिफायर, फिर इसके बाद में भी एम मॉडिफायर, ये होगा प्री मॉडिफायर, ये होगा प्री मॉडिफायर और ये होगा पोस्ट मॉडिफायर। ये एक एडजेक्टिवल फ्रेज का क्या होगा, स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से। चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बात करी हमने कि एडजेक्टिवल फ्रेज में क्या होगा, एडजेक्टिव होगा एज हेडवर्ड है ना, और आगे और पीछे इसके मॉडिफायर्स होंगे। आगे और पीछे क्या होंगे, मॉडिफायर्स होंगे। एक लाइन थोड़ा सा और देखेंगे कि जरूर नहीं है कि हर बार मॉडिफायर हो, है ना, मॉडिफायर्स आर ऑप्शनल। ये बात मैंने पहले भी आपको बोली थी कि मॉडिफायर्स आर ऑप्शनल। यहां पर बात करेंगे आप मॉडिफायर और मॉडिफायर्स आर ऑप्शनल इन एनी फ्रेज। मॉडिफायर और मॉडिफायर्स जो हैं ऑप्शनल हैं किसी भी फ्रेज में। जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिवल फ्रेज है तो हम मॉडिफायर लगाएं ही। एक सिंगल एडजेक्टिव भी क्या हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, फिर हम इस बारे में थोड़ी सी एक दो लाइन लिख लेंगे, नोट ही कर लेंगे उस लाइन को। बढ़िया, ठीक है, नोट डालकर एक बात लिख लेते हैं, ये ऐसा ही लिख लो, चलो ठीक है, कैसे भी कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं अपन। कुछ बनाना चाह रहा हूँ, बन नहीं रहा। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि In an adjectival phrase, modifier or modifiers is or are optional। अब ये किसी में भी हो सकते हैं, फिलहाल मैंने यहां पर लिख दिया है ना, ऑप्शनल हो सकते हैं, ऑप्शनल ही होते हैं, हो क्या सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स, शी इज वेरी रूड। वो क्या है, बहुत ज्यादा रूड है। आपको बोले कि यार इसका क्या करो, MHM करो, इसका क्या करो, MHM करो, शी इज़ वेरी रूड, इसका MHM करो। तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो सर जो वेरी है ना, ये तो मॉडिफायर है, क्वालिफाई कर रहा है। हालांकि जो वेरी है ये एडवर्ब है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले जब एडवर्ब लगता है तो वो इसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब है क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। एडवर्ब है किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब। वेरी रूड, और रूड क्या है, एडजेक्टिव है जो कि इसका हेडवर्ड है, जो कि क्या इसका हेडवर्ड है। और ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज बन रहे हैं। दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, दिख रहा होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज बन रहे हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज बन रहे हैं। ठीक है, इस तरह से।
इस तरीके से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इधर, द टीचर वॉज बोरिंग, द टीचर वॉज बोरिंग। आपसे पूछेंगे इस बोरिंग का MHM क्या होगा, इस बोरिंग का MHM क्या होगा, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि सर ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है और इसका हेडवर्ड ये खुद ही है विदाउट मॉडिफायर, विदाउट मॉडिफायर, विदाउट मॉडिफायर, है ना। तो जरूरी नहीं है किसी भी फ्रेज में मॉडिफायर का होना, होगा तो ठीक है मॉडिफायर बता देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, और ये किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। फंक्शन क्या है इसका, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या फंक्शन है फिलहाल इसका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसका फंक्शन है, ठीक है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि जो एडजेक्टिवल फ्रेज है उसमें मॉडिफायर्स क्या है, ऑप्शनल है, मॉडिफायर्स क्या है, ऑप्शनल है। एडजेक्टिव फ्रेज के साथ साथ सभी फ्रेज की मैं बात कर रहा हूँ, फिलहाल इसमें हमने ये नोट डालकर लिखा है इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बढ़िया शानदार तरीके से लिखो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की। जैसे हम बोल सकते हैं कि सर इन एन एडजेक्टिवल फ्रेज the adjective is the head word। पहली बात तो ये हो गई कि सर adjective phrase में या adjectival phrase में adjective जो होगा, जो विशेषण होगा, वही क्या होगा, head word होगा, वही क्या होगा, head word होगा। It can be in degrees, it can be in degrees, ये degrees में जरूर हो सकता है, है ना, degrees में जरूर हो सकता है। तो कितनी डिग्री adjective की, 3 डिग्री adjective की, कितनी डिग्री adjective की, 3 डिग्री adjective की, जैसे positive degree, comparative degree, सुपरलेटिव डिग्री, कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री,
ठीक है। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्री हो सकती है, कितने डिग्री हो सकती है भाई, 3 डिग्री हो सकती है, कितने डिग्री हो सकती है, 3 डिग्री हो सकती है, हाँ ये कलर ठीक है, 3 डिग्री हो सकती है, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे पॉजिटिव में हमने लिख लिया, जैसे लिख लिया गुड है ना, इधर आ गया बेटर, बेटर बेस्ट, अमेरिकन एक्सेंट में क्या बोलते हैं, बेटर बेटर बेटर, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। ब्यूटीफुल की बात करें तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक। स्मॉल की बात करें, छोटे शब्दों की बात करें, छोटे एडजेक्टिव की बात करें, सिंगल सिलेबल वाले, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट, इस तरह से एडजेक्टिव्स हैं। 3 डिग्री होती है एडजेक्टिव की। अब डिग्रीज के जो रूल हैं वो तो हम डिग्री टॉपिक में ही पढ़ सकते हैं भाई, डिग्री टॉपिक में ही पढ़ेंगे। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, 3 डिग्री हो गई। अब बात कर लेते हैं प्री मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स ऑफ एडजेक्टिवल फ्रेज, मॉडिफायर्स ऑफ एडजेक्टिवल फ्रेज, मॉडिफायर्स ऑफ एडजेक्टिवल फ्रेज, मॉडिफायर्स ऑफ एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम। इसको चलो इधर देखो, प्री दिख रहा है क्या, ये प्री, ठीक है दिख जाएगा, प्री मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर ऑफ मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स, प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स, पहले लगने वाले और बाद में लगने वाले मॉडिफायर्स, प्री और पोस्ट मॉडिफायर्स, ठीक है। तो प्री मॉडिफायर्स आर ऑलवेज एडवर्ब्स, प्री मॉडिफायर्स आर ऑलवेज एडवर्ब्स, हम इनको बोलेंगे इंटेंसिव एडवर्ब्स बोलो ऐसे, ठीक है। प्री मॉडिफायर्स तो हो गए हमेशा एडवर्ब, जैसे सर कौन से शब्द हो सकते हैं सर, जैसे देखो इधर हम बोल सकते हैं राधर टू वेरी
हाईली एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुली, यानी एडजेक्टिव प्लस एलवाई जो एडवर्ब बनता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, सो है ना. ठीक है, राधर टू वेरी हाईली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सो ऐसे ही हो गया मोर इट इज. ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, इसके प्री मॉडिफायर्स हो गए, ये सारे क्या हो गए, इसके प्री मॉडिफायर्स हो गए. ठीक है, इनको हम बोलते हैं इंटेंसिव बोल लो या इंटेंसिफायर्स बोल लो. इंटेंसिफायर्स बोलो, इंटेंसिव बोल लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है. तो प्री मॉडिफायर्स आर ऑलवेज एड, ये ध्यान रखना. अब बात करेंगे पोस्ट मॉडिफायर्स क्या हो सकते हैं. सर क्या पोस्ट मॉडिफायर्स भी एडवर्ब होंगे? पोस्ट मॉडिफायर्स आर एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशनल. प्रेपोजिशनल एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशनल. फ्रेज इन्फिनिटिव भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जो कि किसका काम करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा. ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं. तो पोस्ट मॉडिफायर्स आर एडवर्ब्स एंड इन्फिनिटिव टू प्लस वी वन वाला प्रेपोजिशनल फ्रेज. जैसे इनके एग्जांपल लिख लो भाई, समझ में आ जाए सर ये क्या रामायण है भाई, है ना. देखो टॉपिक ऐसा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि अगर आपका ध्यान इधर उधर से हटाना, बेसिक चीज़ों से हटाना, देखो हार्ड चीज़ कोई रूल तो है नहीं इसमें कि अपना हमें शब्दों का पता कर रहे हैं, है ना, ध्यान इधर उधर नहीं हटना चाहिए आपका, है ना. तो देखो पोस्ट मॉडिफायर्स क्या होंगे सर, एडवर्ब्स होंगे. क्या होंगे? एडवर्ब्स होंगे. राधर टू वेरी हाईली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुली सो मोर, ये तो हो गए प्री मॉडिफायर्स. और पोस्ट मॉडिफायर्स में कौन से एडवर्ब हो सकते हैं सर? इनफ हो सकता है, इंडीड हो सकता है, इनफ हो सकता है, इंडीड हो सकता है. इन्फिनिटिव में टू प्लस वी वन हो सकता है, इन्फिनिटिव में टू प्लस वी वन हो सकता है. प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज फोर, जैसे कोई भी प्रेपोजिशन प्लस, है ना, प्रेपोजिशन प्लस वर्ड्स, प्रेपोजिशन प्लस वर्ड्स, प्रेपोजिशन प्लस वर्ड ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज. इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सर एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल जो फ्रेज होगा उसके मॉडिफायर्स कौन कौन से शब्द होंगे. तो इधर हमने लिख लिया प्री मॉडिफायर्स और उधर लिख लिया पोस्ट मॉडिफायर्स. अब एग्जांपल लिखेंगे, एक बार इसको नोट करें सभी, बढ़िया शानदार तरीके से. थोड़ा सा जलपान कर लेता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ेंगे. नोट कर लिया होगा, इनके एग्जांपल्स लिखेंगे अब आगे.
बस इनको याद रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें हमें ढूंढना है मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, हेडवर्ड। जैसे मैंने लिखा शी इज, शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज वेरी स्मार्ट, यू आर एक्सट्रीमली हॉट, यू आर एक्सट्रीमली हॉट, यू आर एक्सट्रीमली हॉट। He is so sweet. He is so sweet. अगर इनमें हम MHM करें, इनका इनका MHM करें, साफ साफ दिख रहा होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका प्री मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर। ये हो गया आपका हेडवर्ड। दोनों मिलकर क्या बन गए? एडजेक्टिवल, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। देखा जाए तो ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है, सब में ऐसा ही है। तो सब में मैं केवल पीएम पीएम लिखूंगा। पीएम मतलब प्री मॉडिफायर, प्री प्री, ठीक है, और ये हेडवर्ड। ऐसे ही प्री और ये हेडवर्ड, प्री और ये हेडवर्ड, ठीक है। देखो नेक्स्ट, दिस बुक इज रियली फेमस, इंडीड, इंडीड और रियली तो बात एक ही है ना, तो यहां से रियली हटाते हैं। दिस बुक इज वेरी फेमस इंडीड, ऐसा जरूर लिख सकते हैं। और लिखें जैसे she was very tall enough to touch the rope, ठीक है, ऐसे आगे कॉन्टिन्यू। MHM करवाएंगे आपसे, very famous indeed क्या है, very tall enough क्या है, ऐसे
तो आप बोलेंगे वेरी क्या है, एम है, मॉडिफायर है, कौन सा वाला है, प्री मॉडिफायर है, फेमस यहाँ पर हेडवर्ड है, फेमस यहाँ पर हेडवर्ड है, और ये पोस्ट मॉडिफायर है, और तीनों मिलाकर क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। ठीक है, इसको ऊपर बढ़ा देंगे थोड़ा सा और अपन, है ना। और इधर से भी वेरी क्या है, प्री मॉडिफायर है, हेडवर्ड है टॉल, और इनफ क्या है, पोस्ट मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर है। जैसे इट इज टू हॉट टू टेक, पीने के लिए चाय बहुत गर्म है, पीने के लिए चाय बहुत गर्म है, टू हॉट टू टेक, टू क्या है, मॉडिफायर, हेडवर्ड मॉडिफायर, फर्क क्या है, ये प्री है और ये पोस्ट है, और बाकी हेडवर्ड है पोस्ट मॉडिफायर। पोस्ट मॉडिफायर में आप इन्फिनिटिव भी जोड़ सकते हैं एडजेक्टिव के बाद, है ना, टू प्लस एडजेक्टिव टू प्लस वी वन। तो ये जो इन्फिनिटिव आपसे पूछे ये किसका काम कर रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इन्फिनिटिव किसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है, टू टेक, टू टेक। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दिस क्वेश्चन या द क्वेश्चन वाज रादर, दो तीन ले लेता हूँ इसमें, रादर टू, द क्वेश्चन वाज रादर टू हार्ड फॉर टेस्ट या फॉर द टेस्ट। टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया ना वो बहुत ज्यादा हार्ड था भाई। तो देखो रादर हो गया मॉडिफायर, टू भी हो गया मॉडिफायर, हार्ड हो गया हेडवर्ड, ये हो गया प्री मॉडिफायर, ये भी हो गया प्री मॉडिफायर। द क्वेश्चन वॉज रादर टू हार्ड, प्री मॉडिफायर दो हो गए, ठीक है। अब ये जो एडजेक्टिव की बाद, किसकी बाद, एडजेक्टिव की बाद यानी हेडवर्ड की बाद जो प्रेपोजिशन, जो प्रेपोजिशन प्लस वर्ड बचेगा, प्रेपोजिशन प्लस वर्ड बचेगा वो पूरा क्या होगा, मॉडिफायर, और हम उसको कौन सा मॉडिफायर बोलेंगे, पोस्ट मॉडिफायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोस्ट मॉडिफायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोस्ट मॉडिफायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोस्ट मॉडिफायर बोलेंगे।
ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई लाइक वाटर वेरी कोल्ड, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पसंद है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब वाटर नाउन फ्रेज हो गया, वाटर वेरी कोल्ड, ये हो गया वैसे एम, ये हो गया वैसे एच, दोनों मिला के हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज इसका फंक्शन क्या हो गया, वेरी कोल्ड खुद हैं आप या वेरी कोल्ड मैं खुद हूं, आप पानी ठंडा बहुत ज्यादा ठंडा पसंद है पानी, तो ये इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया इसका, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन हो गया, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट, किसका कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। भाई नाउन फ्रेज में प्री मॉडिफायर तो बनता ही है ना, और यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट तो बन ही सकता है, वो तो सिंपल है ही, है ना, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे बन सकता है। जैसे देखो एक और लिख देता हूं, She keeps the room. She keeps the room very dirty. She keeps the room very dirty. She keeps the room very dirty. ये हो गया noun phrase. Room very dirty. ये हो गया M, H, दोनों adjectival phrase. किसका काम कर रहे हैं, रूम का, और रूम के लिए गए कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट, तो कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, बस एक फंक्शन और समझना है कि एडजेक्टिव क्लोज थोड़ा सा क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, थोड़ा सा एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, इसको समझ सकते हैं हम इस तरीके से, गाड़ी ले लेते हैं थोड़ी सी, देखो जैसे हमारे भाई रुक जा, देखो ध्यान दो, हैप्पी एडजेक्टिव है, हैप्पी विद, हैप्पी विद माय वाइफ, हैप्पी विद माय वाइफ, हैप्पी विद माय वाइफ आई वेंट होम, वाइफ के साथ खुश होकर आई वेंट होम, आई वेंट होम, तो ये क्या है, एडजेक्टिवल क्लोज। ऐसे ही देखो, डिस्टर्ब्ड विद, डिस्टर्ब्ड विद द रिजल्ट्स और द रिजल्ट, डिस्टर्ब्ड विद द रिजल्ट, राकेश, राकेश कमिटेड सुसाइड, रिजल्ट से डिस्टर्ब होकर
राहुल ने क्या करी, सुसाइड करी। रिजल्ट से डिस्टर्ब होकर राहुल ने क्या करी, सुसाइड करी। तो देखो ये एडजेक्टिवल क्लोज कैसे है, उसका रीजन है। एडजेक्टिवल क्लोज कैसे है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। इस तरीके से क्या ये एडजेक्टिवल क्लोज है, ठीक है। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेगा इस पर, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे आप इस पर, दो पांच दस बीस सेंटेंस लिखेंगे उनके नीचे, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा किया है, MHM किया है इसका, वैसे लिखकर थोड़ा सा नाम लिखकर थोड़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे, 10-20 सेंटेंस लिखकर, तो ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूँगा एडवर्ब फ्रेज, उसके साथ साथ थोड़ा सा और इसको आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, इसको थोड़ा सा और मैं खोल दूंगा, एडजेक्टिवल क्लोज कैसे क्या होता है। वैसे हमें क्लोज पढ़ने हैं, स्पोका पढ़ना है ना, SPOCA पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ क्लोज, तो वहाँ पर हमें पढ़ना ही है, एडजेक्टिव क्लोज भी पढ़ना है, नाउन क्लोज भी पढ़ना है, एडवर्ब क्लोज भी पढ़ना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पढ़नी है। तो एडवर्ब फ्रेज जब मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई आपको और कर दूंगा कि ये थोड़ा सा कैसे ये एडजेक्टिव क्लोज कैसे है। देखो सिंपल सी बात है, स्टार्ट विद एडजेक्टिव, किससे स्टार्ट हो रहा है, एडजेक्टिव से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट विद एडजेक्टिव, स्टार्ट विद एडजेक्टिव, स्टार्ट विद एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।